जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आप सबका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। कई बार दर्शकों हमने देखा है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और व्यक्ति अपने आप ही सारी चीज़ें कर देते हैं। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक जो हम सोचते हैं कि कभी कभार अंदर से ही आ जाता है, कई बार मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है, कई बार हमें मोटिवेट दूसरों को करना भी पड़ता है। तो आइए इसी पे हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। ओम शांति। तो अगर हम मोटिवेशन की बात करें, पहली बात, व्हाट इज मोटिवेशन? ये कौन सी फोर्स है जो हमें अपने आप ही काम करने के लिए, यू नो, अंदर से ही हम बहुत खुश होते हैं वो काम करने के लिए, व्हाट इज दिस मोटिवेशन? ये एक्चुअली अंदर का एक तो कोई फोर्स है कि जो आपको आगे बढ़ाता है। जैसे भी इंजन को आगे बढ़ना है ना, तो फ्यूल चाहिए। इट्स अ फ्यूल। हाँ, तो ये भी एक लाइफ का फ्यूल है कि जो आपको आगे बढ़ाएगा। परंतु वो डिफरेंट हो सकता है कि जैसे अभी हम जो डिस्कस वैल्यूज के बारे में कर रहे हैं, तो मोटिवेशन एज अ वैल्यू, तो क्या होगा कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो गया। और मोटिवेशन एक वैल्यू नहीं, परंतु कुछ नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोलेंगे, एक एजेंट या ऐसा कुछ। तो फिर ऊपर नीचे होगा कि आज है कल नहीं है ऐसे। हाँ जी। एग्जाम्पल, लाल कपड़े आपने पहने, तो भी लाल जब पहनेंगे तब ऐसा है, नहीं वो इंटरनली मैं हूँ ऐसी समथिंग। हाँ, सम नो, जैसे नहीं, वो एक चीज है, वो फ्लेवर मेरी अंदर में ही है। तो वो आपकी एक वैल्यू होगी, एक नहीं, पार्ट एंड पार्शल ऑफ योर बीइंग हो गया वो। और क्या ऐसा कुछ ब्रेन में भी केमिकल प्रोड्यूस होता है व्हाइल वी आर मोटिवेटेड? बीइंग अ डॉक्टर, आई एम जस्ट आस्किंग जनरली कि ऐसा तो, भी कुछ ऐसे चीजें तो है ही, जैसे डोपामाइन। डोपामाइन इज अ केमिकल कि जिससे आपको अच्छा लगता है, है ना, फील गुड फैक्टर। ऐसे सीरोटोनिन एक है, विच इज नो फील गुड केमिकल विद इन। लेकिन वो तो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट अंदर से अगर आना है तो कुछ हो ताकि वो केमिकल सदा रहे, सदा रहे। So, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं, कहीं लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे पर्पस दिख रहा है, लेकिन कई लोग मोटिवेशन खो देते हैं लाइफ में। जैसे मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस, मोटिवेशन टू वर्क। अब किसी ने, दो तीन ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, हम थोड़े डीमोटिवेट हो गए, तो उस सिचुएशन में हम अपना जो स्वस्थिति है ऑफ मोटिवेशन, या जो हमारी खुद की मेंटल पावर है, वो इफेक्ट ना हो, हमारा काम इफेक्ट ना हो, उसके लिए हम क्या करें कि हम मोटिवेटेड रहें? करेक्ट। तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि इनिशियली जब आपने कोई काम को चुना, तो आज कईयों ने कंपल्शन के रूप में, क्योंकि और कोई जॉब नहीं मिल रहा था उनको, इसलिए उनको करना ही पड़ा, है ना, एक मजबूरी थी। तो फिर एक मोटिवेशन लॉस हो सकता है। हाँ जी। परंतु तब ये सोच, चाहे वो मजबूरी थी, परंतु अब मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें से मुझे अच्छा निकालना है, कुछ तो अच्छा सीखना है, उससे मुझे खुशी को प्राप्त करना है ना। अभी उससे मैं कुछ ऐसी चीज करूं ताकि सोसाइटी को भी मैं हेल्पफुल हो जाऊं कहीं ना कहीं, तो ये बातें होगी ना, तब आपका मोटिवेशन कायम रहेगा। और फिर चलो, अभी दूसरा सिचुएशन आपने जो बताया कि भाई दो तीन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, तब डिफरेंट, एक तो ये सोचना है कि अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, थोड़ी संभावना है कि वो बिल्कुल ऐसे ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर ड्रेस पहन के रोज जाते हैं,
तो बार बार कोई नहीं कहेगा तुम क्या भद्दा ड्रेस पहन के आते हो। अगर एक बार भी आपने ठीक से नहीं पहना तो कोई बोल सकता है। तो ये सोचना है कि जब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें 0.1% तो सत्य है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपको कोई कहे तुम काम में बार बार मिस्टेक कर रहे हो, अगर आपने एक भी मिस्टेक नहीं की तो कोई नहीं कहेगा कि तुम मिस्टेक करते हो। तुमने एक या दो मिस्टेक की तो कोई बोलेगा तुम बार बार मिस्टेक करते हो। तो क्रिटिसाइज करने वाला क्या कर रहा है, उसको मैग्निफाई कर रहा है। तो उससे हम पकड़े कि चाहे ये मैग्निफाई कर रहा है उसमें छोटा सा तो सत्य है, अगर उस पर भी मैं काम करूं तो मेरे में परफेक्शन आएगा। उसका फायदा नहीं है, मेरा फायदा है। तो नहीं, अच्छा व्यक्ति है कि जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। तो हमें क्रिटिसिज्म को वैसे नहीं लेना है, वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एज नो इट इज एन नो क्या कहेंगे मींस टू इंप्रूव, एक आगे बढ़ने का जरिया है मेरे लिए। वो अगर समझ में आ जाए तो क्रिटिसिज्म को आप ऑलवेज पॉजिटिव वे में ही लेंगे। हाँ, क्रिटिसिज्म तो एक काउंसिलर के रूप में लो, क्योंकि काउंसिलर तो फीस लेता है, तो आपको फ्री में कर रहा है, तो उल्टा हमें खुश होना चाहिए। और फिर भी ना उनसे संबंध एकदम बिगाड़ने के नहीं, एक बार उनको भी रियलाइज होगा कि मैंने इतना क्रिटिसाइज किया फिर भी ये तो अच्छे ही है, मोटिवेटेड है, फिर भी या तो मेरे से अच्छा रिलेशन बनाए रख रहे हैं, तो वो भी आपसे अच्छा हो जाएगा। आपको जो वाइब्रेशंस देने हैं उसको वो पॉजिटिव थॉट्स ही देने, थोड़े भी नेगेटिव थॉट्स नहीं देने। और भाई जी, कई बार हम लोग जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, हमने शुरू कर दिया कोई चीज, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी वांट टू लूज वेट, हमने वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अब बीच में एक टाइम आता है जब हम लोग बिल्कुल हताश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब नहीं आगे बढ़ सकते, आज थके हुए हैं, कुछ कई बार एक्सक्यूजेस इतनी ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारी सिचुएशंस ऐसी हम नहीं करना चाहते, नहीं करते, छोड़ो। तो वो एक्सक्यूजेस से हम कैसे लड़ें, कैसे उन एक्सक्यूजेस को ना आने दें, वो थॉट्स को कैसे काउंटर करें? तब ये सोचना ही है कि भी सिर्फ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ ये जो बात है कि भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, ये और कुछ हो सकता है कि भी बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो जो मेरा मोटिवेशन जिस बात के लिए था, जो एंड रिजल्ट था, वो एंड रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी खुशी को गंवाना है। वो प्रश्न है ना, बहुत अच्छा है, किसी ने पूछा था कि भी आप खुशी के लिए काम कर रहे हो या खुशी से काम कर रहे हो। हाँ जी, तो मैं खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुशी से कर रहा हूँ। मैं खुशी से कर रहा हूँ तो खुशी मुझे मिलनी है अल्टीमेटली। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से एक अपना पर्पस भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बीच में अपना पर्पस खो देते हैं कि हमें एक्चुअली में मंजिल पे तो पहुंचना है, वो क्या है। हाँ, ये डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भी कहीं तो गलती है। ये नहीं कि मैं अपना 200% दे रहा हूँ फिर भी ये लोग मुझे प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो वहां शायद ये नहीं है कि मैं अपना 200% दे रहा हूँ, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं, और जैसे कि प्रमोशन के कई एस्पेक्ट्स है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, आपके ह्यूमन रिलेशंस कितने अच्छे हैं, आप एंड रिजल्ट्स कैसा लाते, बहुत सारी चीजें एचआर में लोग देखेंगे। तो कहाँ मेरी कमी रह गई, आप खुद भी ढूंढो, चाहे तो वहां पूछो भी कि एक्चुअली में क्या है, कहाँ। वो बताएंगे कि देखो आप इस एरिया में आप अच्छे हो, इस एरिया में आप अच्छे नहीं हो, तो फिर उस एरिया में मुझे अच्छा होना है। ये नहीं कि तो मेरी पर्सनालिटी है। एक कंपनी में मैं ट्रेनिंग देने ही जाता था और वो कंपनी में ऐसा था कि शायद उनके डिपार्टमेंट भी चेंज होते होंगे, तो वो शायद असिस्टेंट चीफ मैनेजर थे एचआर के। तो उसने मुझे बोला, डॉक्टर ना ये डिपार्टमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? बोलते हैं यहाँ है ना झूठ मूठ चेहरा अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि लोग आते हैं, you have to meet people, नहीं मतलब उनको हमको सर्व करना है, तो भी झूठ मूठ चेहरे पे खुशी रखनी पड़ती है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो मैं उनको बताया कि देखो आप यहाँ पर हो, उल्टा ये कोई खराब बात नहीं है, आपकी पर्सनालिटी नहीं हो मान गए, परंतु ये जो आपका काम है उसकी नीड है टू बी मोटिवेटेड, नो नो टू बी हैप्पी, टू बी चीयरफुल, व्हेन यू कम अक्रॉस पीपल तो थोड़ा ट्राई करो तो आप चीयरफुल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं लाना पड़ेगा, वो आपका एक नेचर हो जाएगा कि यहाँ शायद मुझे कुछ और स्किलफुल वर्क बहुत ज्यादा नहीं करना है, है ना, मुझे जैसे कभी इंजीनियरिंग काम नहीं करना है, यहाँ तो मुझे ह्यूमन रिलेशंस का काम करना है। मैंने एक आई थिंक बात भी कभी सुनी थी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर कि अगर 100 काम हमें करने हैं उसमें से हो सकता है हमें 30% काम अच्छा ना लगे, लेकिन शायद वो 100 में से जो हमारा 70% है वो तो अच्छा है, तो उसी को देख के हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए रादर देन लुकिंग एट व्हाट वी डोंट लाइक। करेक्ट, वो एक बात, और ये जो मैनेजर की बात कर रहा हूँ तो ये है कि ये भी एक स्किल है। हाँ जी हाँ जी, अभी जो डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट में एक स्किल है। फॉर एग्जाम्पल एज अ साइकेट्रिस्ट हमें बहुत अच्छा मेडिसिन का नॉलेज है, सब कुछ है, बट एज अ साइकेट्रिस्ट वन स्किल इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी अ गुड लिसनर। आज कई बार पेशेंट कहते हैं अरे वो डॉक्टर तो हमको सुन ही नहीं रहा था, है ना, चाहे भले वो रिपीट कर रहा है बट यू शुड बी अ गुड लिसनर, देन ओनली यू कैन बी अ गुड साइकेट्रिस्ट। तो ऐसे ही हर प्रोफेशन में हो सकता है, और ये सोचिए कि ये स्किल को मुझे डेवलप करना, कैसे करना, देन यू विल एंजॉय। और अगर हम मोटिवेशन की बात करें, कहीं लोग मोटिवेटेड होते ही नहीं, मतलब उनको कोई चीज करने का बड़ा मन है लेकिन दे हैव लॉस्ट द मोटिवेशन, हाउ टू बिल्ड दैट मोटिवेशन, व्हाट आर द थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच वी कैन डू टू बिल्ड दैट मोटिवेशन टू डू समथिंग। इसमें तो है ना शिवानी बहन, ये कह सकते कि इन जनरल दे हैव लॉस्ट मोटिवेशन अबाउट लाइफ ओनली, तो पहली बात तो एज अ लाइफ दे शुड बी मोटिवेटेड, है ना, कि ये जो जीवन हमें मिला है वही बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि हमें बुद्धि है और एनिमल्स है उनको बुद्धि नहीं है, तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका हमें सही उपयोग करना है। और सबसे बड़ा मैं तो यही कहता हूँ कि भी पूर्वज आगे का जन्म है या नहीं, वी आर नॉट 100% श्योर, भी होगा ही लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, है ना, तो ये सोचिए कि मुझे विस्डम को एक्वायर करना है। जितनी मैं विस्डम बढ़ाता जाऊंगा, अगर अगला जन्म है तो भी बहुत बड़ा फायदा है, और नहीं है तो भी ये लाइफ में तो मेरे को आनंद मिला ही मिला, क्योंकि जब ये जीवन मिला है तो नहीं हमने उसको एक रूटीन बना दिया ना, कि जैसे एक मशीन बना दिया तो कोई फायदा नहीं। ये लाइफ का ऐसा ही कुछ कि जिसमें हमें परपेचुअल पीस मिले, एक परपेचुअल हैप्पीनेस कांस्टेंट रहे, नहीं खुशी का आप अनुभव करो कि भी हर पल सेकंड मैंने अच्छे से जिया, है ना, वो बात, और कुछ भी नहीं। और एक्सटर्नल आप कैसे दिखते हो, आपके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने आपको अवार्ड्स मिले, नथिंग मैटर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे ख्याल से ना भाई जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, द बिग पिक्चर जिसे हम कहते हैं लाइफ में, तो हमेशा मोटिवेटेड ही रहेंगे। अब जैसे अगर मैं एक सिंपल वैसी एग्जाम्पल दूँ, हम परमात्मा के ज्ञान में हैं, तो अगर हमें यही नॉलेज रहे हर टाइम कि हमें खुद भगवान ने चुना है, या हमें सिर्फ यही एक चीज रहे मन में कि हमें तो रोज भगवान मिलते हैं खुद, तो हम शायद कितने ही मोटिवेटेड रहेंगे हर कार्य करने में। तो इट इज जस्ट कि हमें थॉट क्रिएट करना है, जो भी थॉट हमें अच्छा लगे जिससे हमें एक पावर मिले, तो हम मोटिवेशन अपने आप अपने अंदर ला सकते हैं। क्यों बेटा, ये सबके लिए पॉसिबल है, बहुत बड़ी बात, नो नो, यू हैव सेड अ ह्यूज थिंग। हाँ जी, लेकिन यू नो बहुत कम, समझो भी 10,000 में एक दो लोग इस प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड बना सकते कि रोज हमको भगवान पढ़ा रहे, परंतु एटलीस्ट ये तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट नो आउट ऑफ 195 कैन डू, कि दिस इज अ स्पेशल लाइफ विच इज नॉट अंडरस्टूड इवन इफ वी कंपेयर विद एनिमल्स। ये स्पेशल लाइफ है, और ये जो स्पेशल लाइफ है
उसमें मुझे एक एक पल को एंजॉय करना है. ये लाइफ में रोज मुझे कुछ दो विजडम को एक्वायर यहाँ वहां से करना है और उससे मुझे खुश होना है, उससे मुझे मोटिवेटेड रहना है. जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है, मेरा जो जॉब है, वो तो सिर्फ एक मींस है. जैसे भी एक एक्टर है ना, कि भी एक एक्टर को हर प्रकार के रोल्स करने, सिर्फ एक हीरो का ही रोल नहीं, या तो उसको पॉजिटिव रोल भी नहीं. कहते अच्छा सुपरस्टार तो वह है जो नेगेटिव रोल भी अच्छे से बजाता है. सिर्फ सुख का रोल ही नहीं, वो दुख का रोल भी अच्छे से निभा लेता है, तब वो अच्छा एक्टर है ना. और देखना कि भी वही सुपरस्टार कहलाता है कि जो डिफिकल्ट रोल भी सहजता से निभाता है या तो अच्छे से निभाता है. तो जब आपके सामने भी डिफिकल्ट रोल्स आते हैं, कुछ बहुत बड़ी समस्या आ जाती है अंदर में, तब भी हमेशा ये याद रखो कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ, तो मुझे इस रोल को भी अच्छे से निभाना है. और जितना मैं अच्छे से निभाऊंगा उतना ही मुझे वो टाइटल मिलेगा. आज एक्टर से नहीं, कई एक्टर से छोटे से उन्होंने स्टार्ट किया. जब स्टार्ट किया तो कुछ साइड रोल निभा रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से निभाया कि आज वो सुपरस्टार है. तो ऐसे ही कि भाई मैं शायद अभी छोटा मोटा कुछ कर रहा हूँ, परंतु मुझे इतना अच्छे से करना है कि आसपास वाले भी ये देखने लगे, वो बोलेंगे. एंड आई थिंक भाई जी, अगर हम अप्रिशिएट करें तो भी हम मोटिवेटेड रहे, और दूसरों को भी अप्रिशिएट करें, हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं. दूसरों को और नहीं, मतलब लाइफ को ही अप्रिशिएट करो. अपने आप को भी अप्रिशिएट करो, लाइफ को अप्रिशिएट करो. वो कहते हैं आप, वो भी ठीक है कि दूसरों को अप्रिशिएट करो तो अच्छे वाइब्रेशन भी आता है, उससे आपको अच्छा लगेगा. एक आपने मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी थी, आपने भी कही थी कि अगर हम छोटी छोटी खुशियाँ या जब हम अभी हैप्पीनेस की एक वैल्यू की डिस्कशन कर रहे थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर हम खुशी ढूंढ लें, अप्रिशिएट करें कि ये है या वो है, ये चीज़ हमें मिली है, तो मेरे ख्याल से हम सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप ही हो सकते. और एक बात है, मैंने कई बार बताई ये रिपीटेशन मेरा, कि भी हर व्यक्ति फेमस नहीं हो सकता है, परंतु हर व्यक्ति महान हो सकता है ना. एक प्रसिद्ध होना और महान होना, उसमें फर्क है. एक व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है, एक ट्यून का काम कर रहा है, वह भी महान हो सकता है ना. इतना अच्छे से करे है ना, इतना मोटिवेटेड होकर के करे कि वो जब जिंदा है तब भी लोग कहे कि हाँ ये सफाई बहुत अच्छी करता है. उसके जाने के बाद भी लोग ऑटोमेटिकली इस बात को बोलेंगे. और वो तब होगा कि जब आप उस चीज को एंजॉय करो और मोटिवेटेड रहो कि बस ये मुझे एक रोल मिला है. वो क्या रोल मैं निभा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कैसे निभा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है. वह इम्पोर्टेंट है, और वो करते करते भी ना मुझे कुछ सीखना है. और उल्टा मेरे अनुभव में तो कि जो ऐसा छोटा रोल करते हैं ना, जो मैंने विस्डम की बात कही, तो उनको ज्यादा मौका है विस्डम ढूंढने का. जो लोग बड़े रोल करते हैं ना, उनपे तो जिम्मेवारी इतनी सारी है, उनको सोचना इतना पड़ता है कि वो आसपास में घटित हो रहा है, उससे कुछ विस्डम को एक्वायर नहीं कर सकते. उनके पास शायद पढ़ने का भी टाइम नहीं है. आप अगर फ्री है तो आपके पास पढ़ने का टाइम है. अभी मुझे याद आया कि ऐसे एटलीस्ट मेरे दो पेशेंट है, वो दोनों ने ऐसे कहा कि भी हमारा जॉब ऐसा है कि कुछ काम नहीं है, बस ये आधे घंटे का ही जॉब है, हमें सैलरी मिल रही है, तो दैट्स व्हाई वी आर डीमोटिवेटेड कि भी काम ही नहीं है. एटलीस्ट भी 6-7 घंटा काम हो तो कुछ अच्छा लगेगा ना. तो अभी इसमें भी है ना, उन्होंने पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया. मन को समझा कि तो अच्छा है, उल्टा आपके लिए आपके पास फ्री टाइम है तो आप कुछ पढ़ सकते हैं है ना, और कुछ सोच सकते हैं. मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. जो भी सिचुएशन है उसमें नजरिया अपना देखिए और उसका लाभ लो. मतलब जो परिस्थिति आपके सामने है उसका लाभ लो. रियलिटी तो ये है कि भी जिसके पास बहुत काम है वो कहेंगे कि हमारे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है. आपके पास तो पढ़ने का टाइम ही टाइम है, आपको कोई बोल नहीं रहा है
कि भी आप दूसरा नहीं पढ़ो, भी आपका जॉब ही ऐसा है कि वो डिमांड करता है कि इतना ही काम आपको करना है, एंड यू आर गेटिंग अ रीजनेबल सैलरी, ये नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है। बैतिंग भाई जी, मोटिवेशन में एक चीज मुझे जो भी लगती है, अगर हम मोटिवेटेड है तो हमारा काम भी बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट इज वेरी गुड, इट इज वेरी पॉजिटिव, एंड वी एंड यू एंजॉय एंड योर हेल्थ रिमेंस गुड। आज जो हम बीमार होते हैं ना, उसके पीछे भी कई बार डीमोटिवेशन, बोर्डम, भले आप दुखी नहीं है लेकिन बोर है तो भी तो नेगेटिव थॉट है, रिजल्ट आई थिंक प्रोडक्टिव आपके सिस्टम नहीं, आपकी बॉडी सिस्टम पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, एंडोक्राइन सिस्टम पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा और फिर सब कुछ नेगेटिव होगा। सो आई थिंक ये हमने बहुत अच्छा एक डिस्कशन किया कि अगर हमें मोटिवेटेड रहना है तो हमें सेल्फ मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी, एक तो हमारा नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने बात करी कि हमें कैसे मोटिवेटेड रहना है, हमें कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच ढूंढनी है लाइफ में। परिस्थितियां तो काफ़ी आएंगी लेकिन हमें अपनी स्वस्थिति खराब नहीं करनी। तो ऐसे ही अगर कुछ आपके पास टॉपिक्स हैं, कुछ आप बात करना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, हमारी वेबसाइट और हमारा नंबर डिस्प्लेड है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड, कॉल 8094913487।